भारत की महिला हॉकी टीम ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए इन दिनों रांची में है और 13 जनवरी से रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है अमेरिका के खिलाफ। यूं तो ओलंपिक क्वालिफायर्स जो कि रांची में हो रहा है उसमें भारत की महिला टीम को फेवरेट माना जा रहा है, लेकिन उसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा उन 5 चीजों के बारे में कि अगर वो 5 काम भारत की महिला हॉकी टीम ने कर लिए तो उन्हें ओलंपिक क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। कौन सी है वो 5 चीजें आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत की महिला हॉकी टीम इन दिनों रांची में है और रांची में वो लगातार अभ्यास कर रही है, प्रैक्टिस मैच खेल रही है और उसका इरादा बहुत साफ है, मंसूबा बहुत साफ है कि उसे ओलंपिक के लिए लगातार तीसरी बार क्वालिफाई करना है। तो अगर उसे ओलंपिक के लिए तीसरी बार क्वालिफाई करना है तो उसे कुछ काम करने होंगे। देखिए, ये युवा टीम है तो जो अनुभवी खिलाड़ी हैं इस टीम में उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं आपको बताऊं कि इस टीम में 18 सदस्यीय टीम में मात्र 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा मैच भारत के लिए खेले हैं। मतलब ये एक यंग टीम है, इनका एवरेज एज अगर हम इस टीम की बात करें तो वो सिर्फ 24 साल है। तो इस लिहाज से हम देखें तो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या क्या जरूरी है इस टीम को करना, उसमें सबसे पहली जरूरत जो है वो है कि पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन बेटर करने की जरूरत है। भारत की महिला हॉकी टीम का पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए रांची आने से पहले बेंगलुरु में जो भारत के पूर्व ड्रैग फ्लिकर हैं रुपिंदर पाल सिंह, जिन्होंने कि शानदार प्रदर्शन किया है अपने करियर में और जबरदस्त ड्रैग फ्लिकर थे, उन्होंने फाइन ट्यूनिंग करने की कोशिश की पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन को और वहां पर ट्रेन किया भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों को। अब इसका कितना फायदा मिलता है ये देखना होगा इस रांची में ओलंपिक क्वालिफायर्स में, लेकिन अगर भारतीय टीम को ओलंपिक क्वालिफाई करना है तो उसे अपने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन की जो रेट है उसे बेहतर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। अभी विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा था कि जो पीसी का कन्वर्जन था वो बेटर नहीं था। अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो वहां पर 69 पेनल्टी कॉर्नर भारतीय महिला हॉकी टीम को मिले थे जिसमें से सिर्फ 16 कन्वर्ट हो सके थे। तो इसमें सुधार की जरूरत है और इस लिहाज से अगर आप देखें तो दीपिका की भूमिका जो है वो बहुत बढ़ जाती है। दीपिका भारतीय टीम की स्ट्राइकर हैं लेकिन पेनल्टी कॉर्नर के लिए ड्रैग फ्लिक वही करेंगी, क्योंकि इस टीम में दीप ग्रेस एक्का शामिल नहीं की गई हैं जो कि पेनल्टी कॉर्नर लेती थी। तो इसलिए जो यहां पर मोनिका हैं उन पर यह एक प्रेशर भी रहेगा कि जो अवसर मिलते हैं उसे गोल में तब्दील करें। हालांकि उनकी मदद के लिए नवनीत आ सकती हैं, इसके अलावा निक्की प्रधान जो कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो आ सकती हैं, लेकिन यह देखना बेहद जरूरी है कि आप पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन बेटर तरीके से करें। अगर दूसरा काम जो भारतीय टीम को करना है कि आपको पीसी जो है वो कम से कम कंसीड करना है, मतलब पेनल्टी कॉर्नर आपके खिलाफ ज्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो वहां पर उसका फायदा जो है उठा सकती हैं। जर्मनी से हालांकि अभी मुकाबला नहीं है लेकिन बाद में है, तो उन चीजों को समझना होगा। अमेरिका आपके पुल में है, न्यूजीलैंड एक सशक्त टीम है भारतीय पुल में, तो इनसे बचना है तो आपको पेनल्टी कॉर्नर कम से कम कंसीड करने की जरूरत है और इसके लिए जो है जो भारत की जो रशर्स हैं उनको खास ध्यान रखना होगा और डिफेंस में कम से कम गलतियां हों ताकि आप पेनल्टी कॉर्नर जो है वो कंसीड ही ना करें,
ताकि सामने वाली टीम जो है उसे कन्वर्जन के लिए जाए और फिर जो है रशर्स की जिम्मेदारी पड़े। तो इसलिए डिफेंडर्स की भूमिका जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए इस बार जो भारतीय टीम चुनी गई है उसमें सिर्फ 4 डिफेंडर हैं, निक्की प्रधान जो कि टीम की उपकप्तान है, इसके अलावा इशिका है, उदिता है और मोनिका है। तो ये 4 ही खिलाड़ी जो हैं वो डिफेंस में हैं। यहां पर कोई दीप ग्रेसेक्का इस टीम में शामिल नहीं है जो विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय टीम की उपकप्तान थी और इस टीम में थी। ये एक युवा टीम है, दीप ग्रेसेक्का इस टीम में शामिल नहीं है। तो ऐसे में निक्की प्रधान की भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो जो अपने साथी डिफेंडर्स हैं उनके साथ किस तरह से जो है वो किलेबंदी करती हैं और किस तरह से रक्षा करती हैं। पीछे गोलकीपर सविता पुनिया होंगी, उन पर जिम्मेदारी होगी। चूंकि ये टूर्नामेंट बेहद महत्वपूर्ण है तो हर टीम अपना जोर लगाएगा, तो डिफेंस में कम से कम गलतियां हो इस बात का ख्याल रखना होगा। इससे क्या होगा कि आप पेनल्टी कॉर्नर कम कंसीड करेंगे और साथ ही साथ जो है जो आक्रमण बनेगा उसका क्लियरेंस जो है बहुत साफ होना चाहिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। अपने सर्कल के अंदर बहुत ज्यादा ड्रिबलिंग नहीं करने की जरूरत है, गेंद के क्लियरेंस जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब आप अटैक पर जाते हैं, अगर आप देखें भारत के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को, तो यहां जो 4 खिलाड़ी की हम बात करें जिसमें मोनिका हैं, संगीता कुमारी हैं, लालरेम सियामी हैं और बलजीत कौर हैं, ये 4 के 4 खिलाड़ी जो हैं वो काफी युवा खिलाड़ी हैं, यंग प्लेयर हैं और एक्सपीरियंस की कमी यहां पर फॉरवर्ड लाइन में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वंदना कटारिया इस फॉरवर्ड लाइन में नहीं है, चिक फ्रैक्चर की वजह से वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। तो ऐसे में जो यंग जो वहां पर स्ट्राइकर हैं उन्हें मौके की तलाश में रहना है और आप जो है फिनिशिंग जो है वो आपको आनी चाहिए। जो मौके बनते हैं जब एक बार आप सर्कल पेनिट्रेट कर जाते हैं तो फिर आप मौके मत गवाइए, आप निशाना साधिए सीधे गोल में और ज्यादा से ज्यादा गोल कीजिए। और ये काम जो है पिछले दिनों अच्छे से कर भी रही हैं भारत की जो फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। अगर आप संगीता कुमारी की बात करें तो उन्होंने एशियन गेम्स में 6 गोल दागे, फिर विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 6 गोल किए, फिर 5 नेशंस वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट में 2 गोल किए। तो वो अभी रिसेंट पास्ट में भारत की सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी हैं। लालरेम सियामी काफी तेज तर्रार खिलाड़ी हैं और वो भी अवसर बनाती हैं और फिर उसे भुनाती भी हैं। दीपिका के ऊपर तो जिम्मेदारी है ही, क्योंकि वो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें कन्वर्ट करना है और गोल भी करना है। एशियन गेम्स में जो उन्होंने 5 गोल किए थे उसमें से 3 पेनल्टी कॉर्नर से किए थे और 2 गोल जो थे वो मैदानी थे। बलजीत कौर 22 साल की खिलाड़ी हैं, उन्हें भी इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो यहां पर फॉरवर्ड की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होती है और अगर जो भारत के फॉरवर्ड हैं वो मौके नहीं गवाते और अगर वो निशाना सही जगह लगा लेते हैं, जो मौके मिलते हैं उसे भुनाने में कामयाब होती हैं, तो फिर भारत को ओलंपिक क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा देखिए मिडफील्ड जो है भारत का सबसे मजबूत है। यहां पर आपको सलीमा टेटे जैसी खिलाड़ी हैं जो कि गेंद के साथ बहुत तेजी से भागती हैं, वो एक जो मिडफील्ड में हॉकी के प्रति थिंकिंग होनी चाहिए वो उनके अंदर है। नवनीत कौर हैं, इसके अलावा सोनिका हैं, आपको निशा है, वैष्णवी विठल फालके हैं। तो यहां पर मिडफील्ड भारत का जो है वो बहुत मजबूत है और जो आपका मजबूत है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे बेहतर प्रदर्शन करे। तो यहां मिडफील्ड को बेहतर करना है। जब टीम अटैक के लिए जाती है, जब वहां पर फॉरवर्ड आपके आगे बढ़ते हैं तो वहां पर आपको सपोर्ट के लिए होना चाहिए और जब आपकी टीम के ऊपर अटैक होता है तो आपको उसी तरह से पीछे आकर डिफेंस करना चाहिए, क्योंकि आपको याद रखना है कि दीप ग्रेसेक्का इस टीम में शामिल नहीं है। तो वहां जो मिडफील्डर हैं जो कि डिफेंसिव एटीट्यूड रखती हैं वो पीछे आकर टीम को डिफेंड कर सकती हैं। तो ये एक काम करने की जरूरत है कि मिडफील्ड को बेहतर खेलने की जरूरत है। और जो पांचवां और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप फियरलेस हॉकी खेलिए, हार के डर को दूर कीजिए, अटैकिंग हॉकी जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम पिछले 5-6 महीनों से खेल रही है उसी तरह की हॉकी आप खेलिए। जब आप गोल करते हैं
तो फिर दबाव आप बढ़ाते हैं और इसका कोई भी जो है दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। जैसे ही आप गोल करेंगे सामने वाली टीम डिफेंसिव हो जाएगी। तो ये जो है ये पांच काम करने की जरूरत है और अगर ये पांच काम भारत की महिला हॉकी टीम ने रांची में ओलंपिक क्वालिफायर्स में कर लिया तो पेरिस का टिकट मिलना तय है। लगातार तीसरी बार ओलंपिक खेलना भारत की महिला हॉकी टीम का तय है। भारत की महिला हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।